सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे विसर्ग का लोप। यानी हमने जो विसर्ग संधि पढ़ी है, उन विसर्ग संधियों में किस किस जगह पर हम विसर्ग का लोप करते हैं। लोप का मतलब होता है हटाना, यानी बिना किसी वर्ण को हम चेंज किए और हम विसर्ग का लोप कर देते हैं, यानी विसर्ग को वहाँ से हटा देते हैं। तो देखते हैं पहला नियम कि एष है तथा सह के विसर्ग का लोप हो जाता है बाद में हल हो तो। यानी प्लस से पहले यदि हमें एष है और सह ये पद मिले, पद होना चाहिए पूरा, एष है और सह ये पद मिले और इसके बाद कोई भी हल या अथवा स्वर हो और स्वर में ए को छोड़ करके, यानी ए नहीं होना चाहिए स्वर में और इसके अलावा कोई भी स्वर हो या हल हो। कहने का मतलब चाहे हम यों कह दें कि प्लस से पहले एष है और सह पद होना चाहिए और प्लस के बाद में कोई भी वर्ण हो, केवल ए नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हम जो प्लस से पहले एष है और सह है जो भी पद होगा उसमें जो विसर्ग लगा होगा उस विसर्ग को हटा देंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, हमारे पास पहला उदाहरण है इसका, एष है प्लस राम है। यहाँ एष है पूरा पद है, ध्यान रखना है कि प्लस से पहले हमें पूरा पद मिलना चाहिए, चाहे वो एष है हो चाहे वो सह हो, ये ही पद होना चाहिए। तो एष है प्लस राम है, यहाँ एष है लिखा हुआ है प्लस से पहले और प्लस के बाद में हमारे पास राम लिखा हुआ है और राम में रह है, तो एष का जो विसर्ग है इस विसर्ग का हम लोप कर देंगे और हमारा पद बन जाएगा फिर एष राम है। यानी प्लस के बाद में हमारे पास क्या है, रह है, और रह किस में आता है, हल में आता है, तो हमें हल यानी व्यंजन या स्वर ऐसा याद नहीं रखना है, केवल हमें डायरेक्ट ये याद रखना है कि प्लस के बाद में कोई भी वर्ण हो ए नहीं होना चाहिए और प्लस से पहले एष है और सह पद होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हम विसर्ग का लोप कर देंगे। सह पठती, इसमें भी हमने देखा सह लिखा हुआ है और आगे पठती पे है, तो यहाँ भी विसर्ग का लोप हो गया और पद बन गया हमारा सह पठती। एष है शिक्षक है, कब बन जाएगा, एष शिक्षक। से राजा, सह राजा का बन जाएगा से राजा, तो ये हमारा फर्स्ट नियम, डायरेक्ट हमें ये याद रखना है कि प्लस से पहले एष है और सह पद होना चाहिए और प्लस के बाद में कोई भी वर्ण हो ए नहीं हो, बस हमें केवल डायरेक्ट ये याद रखना है कि प्लस के बाद में ए नहीं होना चाहिए और कोई भी वर्ण हो। अगला नियम, यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग का मेल ए के अलावा किसी अन्य स्वर से हो, कहने का मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, अर्थात प्लस से पहले हमारे पास विसर्ग और ए हो और उसके बाद में स्वर हो ए को छोड़ करके, यहाँ पर भी ए का निषेध है यानी ए नहीं होना चाहिए, तो प्लस से पहले विसर्ग और ए हो और प्लस के बाद में कोई भी स्वर हो ए नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम विसर्ग का लोप कर देंगे यानी वहाँ से विसर्ग को हटा देंगे। जैसे
अतः प्लस एव, यहाँ अतः विसर्ग से पहले हमारे पास ए है ते में, और उसके बाद में विसर्ग लगा हुआ है, फिर इसके बाद में हमारे पास एव एव पद है, और एव में ए जो है वो स्वर में आ रहा है, ए नहीं होना चाहिए था, ए को छोड़कर बताया इसमें, ए नहीं है हमारे पास, ए है, ए स्वर में आता है, तो ऐसी स्थिति में हम विसर्ग का लोप कर देंगे और हम उसका पद बन जाएगा हमारा अतएव। इसके बाद अर्जुन है प्लस उवाच है, का बन जाएगा अर्जुन उवाच है। इसी तरह से बाल है प्लस इच्छति, का हमारा पद बन जाएगा बाल इच्छति, और सूर्य उदेति का पद बन जाएगा हमारे पास सूर्य उदेति ही। यानी यहाँ हमने इन उदाहरणों में विसर्ग का लोप कर दिया है और समस्त पद बना दिया है, यानी इनको दोनों अलग अलग पदों को एक जगह जोड़कर हमने लिख दिया है। अब यहाँ हमें एक बात यहाँ याद रखनी है कि विशेष करके मैंने इसमें लिख दिया है, तो इसको समझ लें कि समस्त पद में हल्के बाद कोई स्वर आए तो वहाँ स्वर संधि नहीं करेंगे, विच्छेद में स्वर से पहले विसर्ग लगाएंगे। यानी कहने का मतलब कि हमने स्वर संधि पढ़ी है और स्वर संधि में हम देखते हैं कि हमारे पास जब भी कोई पद होता है तो उस पद में हम जब देखते हैं दोनों तरफ हमारे पास स्वर है, तो हम उन स्वरों को मिला करके और उसमें कोई ना कोई संधि कार्य होता है, स्वर संधि बन जाती है वहाँ पर, चाहे वो गुण हो, दीर्घ हो, वृद्धि हो। तो हमें जब भी समस्त पद मिले, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बाल इच्छति, तो यहाँ हमें याद रखना है कि यदि ये पद हमें समस्त मिले, समस्त का मतलब पूरा पद एक ही हो, एक ही लाइन के नीचे लिखा हुआ हो, ऐसी स्थिति में हमें इस पद को जब वो अलग करने के लिए बोले, यानी इसका विच्छेद करने के लिए बोले, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जब हमारे पास, हमें यहाँ दिख रहा है कि एक पद हमारे पास बाल है और एक पद तो हमारे पास बाल है और दूसरा पद हमारे पास इच्छति है, तो इनमें हम स्वर संधि भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बाल में ए है, ले में ए है और आगे ई है, और ए और ई मिलकर क्या बनते हैं, ए बनता है, तो पद बनेगा हमारा बाले क्षति स्वर संधि के अनुसार। और स्वर संधि में कौन सी, गुण संधि, गुण संधि यहाँ पर हो सकती है, हम उसे भी बना सकते हैं जब ये पद हमारे पास दोनों अलग अलग हो, यानी यहाँ पर बाल अलग लिखा हो और इच्छति अलग लिखा हो तब। लेकिन जब दोनों ही एक ही पद हों, एक ही लाइन के नीचे लिखे हों, तो हमें बाल इच्छति नहीं बनाना है, हमें इन दोनों पदों को अलग अलग कर देना है, और प्रथम पद यानी पहले वाले पद से पहले के, पहले वाले पद के बाद में हमें विसर्ग लगा देना है। तो ये विशेष करके जो नियम लिखा था वो यही कहता है कि जब हमें समस्त पद मिल जाए पूरा और समस्त पद में हमें स्वर दिखे, तो वहाँ हमें स्वर नहीं करना है, यानी स्वर संधि नहीं करनी है, हमें समस्त पद दिखे तो दोनों पदों में एक ही लाइन हो, एक ही लाइन के नीचे हो, तो हमें वहाँ पर स्वर संधि नहीं करनी है। विच्छेद करने के लिए बोले तो हमें विच्छेद में वहाँ हम उनको अलग अलग करेंगे और प्रथम पद के बाद में हम वहाँ पर विसर्ग लगा देंगे, ये हमें याद रखना है। यहाँ हम ऊपर देख सकते हैं, जैसे हमारे पास दूसरा उदाहरण है सूर्य उदेति, या हमने देखा कि इसमें सूर्य उदेति में पूरा दोनों अलग अलग पद हैं, तो यहाँ हम
इसको विच्छेद करेंगे तो पहला पद हमारे पास सूर्य है, दूसरा उदेति है, तो हमने सूर्य में क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया और उदेति को अलग लिख दिया, तो इस तरह लिख दिया। अब हम यहाँ यदि इसमें संधि कार्य दूसरा करना चाहें तो इसमें भी हम संधि कार्य कर सकते हैं। ए यहाँ हमारे पास य में ए है और आगे उ है, तो य और उ, वो ए और उ दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ए प्लस उ बराबर ओ बन जाएगा इसमें। तो इसमें भी हमारे पास स्वर संधि में हम इसको कर सकते हैं, लेकिन जब हमें वो वहाँ समस्त पद दे देता है और विच्छेद करने के लिए बोले तो हमें वहाँ पर विसर्ग ही लगाना है, यानी उसको हम विसर्ग ही लिखेंगे। और जब विसर्ग लगा कर दे यानी विच्छेद करके दे तो हमें उसको पूरा एक पद बनाकर ही लिखना है, यानी एक ही लाइन के नीचे पूरा हमें लिखना है वहाँ पर।